सो इस वीडियो दे विच आपा तुहाडा पार्ट 2 कवर अप करांगे टिप्स एंड ट्रिक्स दा। सो हाय एवरीवन, आई एम पवनीत कौर फ्रॉम स्मार्टक एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पटियाला। आई होप तुसी सारे वधिया होवोगे एंड अज दी आपा वीडियो दे विच देखांगे हाउ टू इनक्रीज स्पीड, वी तुसी अपनी टाइपिंग दी स्पीड जिहड़ी है ओह किस तरह इनक्रीज कर सकदे हो, या तुसी हजे सिखिया ही है या तुसी हजे सारीआं लाइनस कवर अप कीतीआं ने ते हुण आपा अगे स्पीड इनक्रीज किद्दां करनी है, या तुहाडी जिहड़ी स्पीड है एक पॉइंट ते आके रुक गई है तां फिर आपां उसनूं किद्दां इनक्रीज करना है, तां ओह आपां अज दी वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट जो तुहाडा पॉइंट है इनक्रीज करन दे लई टाइपिंग नूं, ओह है करना टेक एनी फोर लाइनस एंड रिपीट दैम। मीनस भी तुसी किसी भी पैरा दे विचों, चाहे वह न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, या तुसी साडी वैबसाइट दे smartageducation.com ते भी विजिट कर सकते हो। उत्थे असी पंजाबी एंड इंग्लिश दोनों मैटर दिते हुए ने, तुसी उत्थों भी इंग्लिश एंड पंजाबी का जिहड़ा मैटर है वह लै सकते हो ऑफलाइन मैटर। ठीक है, तो तुसी कोई भी मैटर या न्यूज़पेपर कह लो या बुक कह लो, उहदे विच तुसी कोई चार लाइना लै लैनी है, तुसी सिर्फ उन्हां चार लाइनस नूं ही बार बार रिपीट करते रहना है। उस दे नाल की होएगा, एक तो आपां नूं जिहड़ियां लाइनस ने वह प्रॉपर लर्न हो जाणगियां, एंड जदों आपां नूं कोई चीज़ लर्न हो जाती है आपां उहदे विच परफेक्ट हो जाते हैं। तो जदों तुहानूं वह लाइनस लर्न हो जाएंगे ऑटोमैटिकली तुहाडे हैंड्स जिहड़े ने उह चलन लग जाएंगे, तुहानूं लर्न होणगियां कीज़, लर्न होणगियां तुहाडी एक्यूरेसी इनक्रीज़ होएगी, तुहाडी बैक स्पेस कंट्रोल होएगी। सो ठीक है, तुसी कोई भी मैटर दीआं चार लाइनां लैणियां ने, चाहे इंग्लिश है चाहे पंजाबी है, तुसी उसनूं बार बार रिपीट करते रहना। एंड सेकंड पॉइंट, डू ऑफलाइन प्रैक्टिस विदाउट टाइमर। मीनस तुसी टाइम नहीं लगाना, तुसी 10 मिनट का जिहड़ा टाइम है, आपां नूं पता ही है मोस्टली टाइपिंग का जिहड़ा टाइम हुंदा है वो 10 मिनट हुंदा है, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हुंदियां ने। सो तुसी जदों ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश करो टाइमर घट लगाओ, मीनस तुसी टाइम लगा के नहीं करना। टाइम लगाने जो उदो अपने मन च की होंगे भी हाँ मैं हूँ टाइम लाया, पहला मेरी इन्नी स्पीड आई है तो मैं हूँ होर फास्ट करांगा ताजो मेरी इनक्रीज होए, उदे नाल की होंगे अपनी बैकस्पेस बदल लग जाती है, अपनी मिसटेक्स बदल लग जाती है। तो कोशिश करो टाइम घट लगाओ, मेरे अकॉर्डिंग तुसी टाइम अगर दिन की गल करिए, जे तुसी एक घंटा बैठ रहे हो, दो घंटा बैठ रहे हो, तो तुसी सिर्फ एक बारी टाइम लगाना है, बाकी जी तुसी प्रैक्टिस कर रहे हो तुसी जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, जिवें तुहानू दस दिता तुसी कोई फोर लाइनस लैनियां ने, तुसी उन्हां नूं बार बार लिखना है। ठीक है, तो तुसी ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, टाइमर घट लगाना है। दैन अवॉइड ऑनलाइन प्रैक्टिस इफ योर स्पीड स्टक्स। मीनस भी कई बार की होंगे अपने एक पॉइंट पर आकर स्पीड रुक जाती है, जिवें हुण तुहाडी 30 की स्पीड आ रही है, तुहाडी काफ़ी लोंग टाइम तो 30 की स्पीड ही आ रही है, तुहाडी वध नहीं पा रही है, तो तुसी की करना है तुसी ऑनलाइन टाइम का जो प्रैक्टिस है वो घटा देना, एंड तुसी टाइम भी बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि तुसी 10 डेज ना कोई टाइम लगाना है, ना कोई तुसी ऑनलाइन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, तो ना ही तुसी अपनी स्पीड वगैरह नो चेक करना, जस्ट नॉर्मल टाइम नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। फिर तुसी 10 डेज बाद जो टाइम लगा के देखोगे या तुसी ऑनलाइन टाइम लगा के देखोगे, तो तुसी उसका डिफरेंस देखो। पहले तुसी 10 दिन तो पहला जिहड़ी स्पीड है तुसी ओह नोट डाउन कर लेनी है, फिर तुसी 10 दिन की प्रैक्टिस तो बाद जो चैक करोगे दोबारा कि 10 दिन के विच तुहाडी कोई इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, फिर तुसी उन्हां दा कंपैरिजन करके देखना, तुहानूं जरूर उहदे विच डिफरेंस नज़र आएगा। तो जो तुहाडी स्पीड एक पॉइंट ते आके रुक जाती है, तो तुसी ऑनलाइन प्रैक्टिस एंड टाइमर नूं बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है कुछ टाइम के लिए, अवॉइड करके फिर जो तुसी दोबारा उसनूं चैक करोगे तो तुहानूं उसदे विच डिफरेंस जरूर दिखेगा। ठीक है, तो आपां थर्ड पॉइंट क्लीयर हो गया होगा कि तुसी जो तुहाडी स्पीड रुक रही है तो तुसी कुछ दिनों के लिए अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है विदाउट एनी टाइमर। दैन फोर्थ, डू प्रैक्टिस रेगुलरली। ए पॉइंट तो मस्ट है, नीडिड है, भी तुसी जिहड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तुसी उसनूं छड्डना नहीं है। कई बार की होंगे जो अपने एग्जाम्स आ जाते हैं आप स्टडी वाल ज़्यादा ध्यान दे दें, आप टाइपिंग बिल्कुल ही छड्ड दें, टाइपिंग नूं बिल्कुल भी छड्डना नहीं है, चाहे तुसी एक घंटा दो पर तुसी टाइपिंग नूं टाइम देना ही देना है, तो तुसी हमेशा रैगुलर प्रैक्टिस करनी है। वह तुसी टाइम टू टाइम अपना टाइम इनक्रीज कर सकते हो, घटा सकते हो, बट विच गैप ना लो, रैगुलर प्रैक्टिस करते रहो। तो इस तरह जिहड़े भी तुहानूं मैं पॉइंट्स दसे ने कि तुसी अपनी स्पीड नूं किद्दां इनक्रीज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल ने,
कोई ज़्यादा ये आप कही कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर तुम इन्हों प्रॉपरली फॉलो करते हो तो अपनी स्पीड के जो डिफरेंस है वो नज़र आएगा, अपनी एक्यूरेसी के जो डिफरेंस है नज़र आएगा। सो पार्ट टू के आप देखिए भी आप अपनी स्पीड को किदा कवरअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।